सूरत सीरत दनई जवाब कोई, सोना बन के ला जवाब आया। सोना हुसन जमाल कमाल आला, लैके खूबियां दे अंबार आया। बड़ा खुश नसीब है ओ बंदा, बड़ा खुश नसीब है ओ बंदा, जिनू नबी करीम दा ख्वाब आया। रासख उस जमीन नू बाग लग गए, जिथे सोना पैगंबर इनकलाब आया। अल्लाह ताला दी हमदो सना, तमाम किस्म दियां तारीफात एक अल्लाह वहदहू ला शरीक दी जात वास्ते है। दरूदो सलाम इमामुल अंबियाई वल मुत्तकीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुना फिल दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। कुल कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी रौनक और बहार, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सलावातुल्लाहे अलैहि वसलामुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात अकदस ते। हज़रात ज़ीवकार, अल्लाह तबारक व तआला दी तौफीक व रहमत दे नाल 23 फरवरी 2024 दा खुतबाए जुमातुल मुबारक है। अल्लाह दे हुजूर असी दुआ तो अपनी बात दा आगाज़ करने आ कि मालका साढ़े घरां दे अंदर साढ़े अंदर जितने मुसलमान बीमार ने अल्लाह अपनी रहमत ना शिफा अता फरमा, और जितने साढ़े अजीज़ो अकारब फौत हो गए ने अल्लाह तमाम नू माफ़ फरमा के जन्नतुल फिरदौस दा दाखला अता फरमा। और सिदके दिल दे नाल कह भी दुआज कर लईए कि ऐ मेरे अल्लाह फलस्तीन दे मजलूम मुसलमाना दी मदद फरमा। जिथे जिथे भी मुसलमाना ते जुल्म हो रहा है, कश्मीर अंदर, शाम अंदर, बर्मा अंदर, फलस्तीन अंदर, अल गरज पूरी दुनिया ते जिथे जिथे भी मुसलमाना ते जुल्म हो रहा है, अल्लाह जालमा नू इबरत दा निशान बना। मेरे मुसलमान भाइयो, यह भी दुआ करते रहा करो कि मालका इस मस्जिद नू रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा। जड़े तेरे साथियों ने जगह, तेरे बंदियां ने जगह दिती है, जिन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, इनू बनाया, सजाया, फवाया, जेबो जीनत की है, और जड़े इदे मुंतजमीन ने, मुखलसीन ने, अल्लाह उन्होंने घर बार अंदर, कारोबार अंदर रहमत बरकत अता फरमा। हज़रात ज़ीवकार, पिछले दो जुमातुल मुबारक तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दे एक अजीम पहलुआ ते तज़करा हो रहा है। हज़रत सैयदना मुआज बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत भी तुहाडे सामने बयान हो गई है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दी सीरत भी तुहाडे सामने पिछले जुमे च बयान कर दी है। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर भी मैं एक नबी पाक दे बड़े अजीम सहाबी ने और बड़े नन्हे मुन्ने नबी पाक अलैहि सलाम दे छोटे जे सहाबी ने कि जिन्हों का नामे नामी इसमे ग्रामी जनाब सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो। हज़रत सैयदना अनस की अजमत की है, उन्हां दियां करामात की ने, और दीन इस्लाम के वास्ते सैयदना अनस का केड़ा केड़ा कम है, केड़े केड़े कारनामे ने, इंशाल्लाह थोड़े जे टाइम में मैं तुहाडे सामने हज़रत अनस बिन मालिक की सीरत नू बयान करना है। फिर असी दुआ कर लईए कि या अल्लाह सानू भी ते साडी आल औलाद नू सहाबा दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमा। हज़रात ज़ीवकार, ऐ दुनिया की जिंदगी एक आरजी जिंदगी है, बका रहने वाली आखरत की जिंदगी है। वल आखिरतु खैरुं वअबका, कुरान कह रहा है कि मुसलमानों
यह दुनिया आरजी है, बाकी रहने वाली सिर्फ एक आखरत की जिंदगी है। इस रूहे जमीन ते सानू हर फर्दो बशर सवेर तो लैके शाम तक ते शाम तो लैके सुबह तक हर बंदा दुनिया कमाण के पिछे सानू नज़र आ रहा है। हर बंदे की दौड़ दुनिया ती लगी है, जिहड़ी आरजी है उहदे पिछे असी भजदे जाने आ, ते जिहड़ी बेकार रहने वाली है बाकी रहने वाली है उहदे वल साडी कोई तवज्जो नहीं। मेरे मुसलमान भाइयो, कोई भी इंसान इस दुनिया ते मेहनत करता है, कोशिश करता है, तगो दो करता है, जिदो जहद करता है ना, उहदे दो बुनियादी मकसद हुंदे ने। पहला मकसद हुंदा है कि मेरे को माल आ जाए, मेरे को दौलत आ जाए, मेरे को गड्डियां कोठियां आ जान। ते दूसरा उहदा मकसद हुंदा है कि मेरी जिहड़ी औलाद है ना उहदा मुस्तकबिल बन जाए, मेरी जिहड़ी औलाद है ना उहनूं गांह को परेशानी दा ना सामना करना पे, मेरी औलाद कामयाब हो जाए, मेरी औलाद कामरान हो जाए। बस हर बंदा है दो पहलुआं नूं लै के ते सवेर तो शाम तक अपनियां मेहनतां करदा फिरदा है, लेकिन असीं ये चीज़ भुल गए हाँ कि अन करीब साढ़े ते मौत आ जाएगी, अन करीब असीं दुनिया छड़ जावांगे। असीं ये बातां भुल गए हाँ। बस यार अपनी कबर वल ध्यान करो, अपने हशर वल ध्यान करो। भाई जान अपने घर च नज़र मार हाँ, जिहड़ा बाप तैनू चंगी माड़ी गल तो मना करता सी, जे तैनू तेरा जे बाप नज़र नहीं ना आ रहा, प्यो वास्ते हाथ उठा उठा के दुआवां करिया कर, ते एक वक्त आना है तू भी इस दुनिया तो चले जाना है। जो असी जनाजा जनाजगाह वल लैके जाने ना कब्रस्तान वल, तो सानू जनाजा एक बोल बोल के सबक देंदा है। कोई भी बंदा मैयत दे अगे नहीं चलता, बल्कि सारे अगे एक जनाजा जा रहा हुंदा है, सारे लोग जनाजे के पिछे पिछे चलते ने। उहदी वजह की है, सानू जिहड़ी जाण वाली मैयत है, सानू जाण वाला जिहड़ा मुर्दा है, वह इस बात का सबक दे रहा है कि मेरे पिछले हो और मेरे वालदैन ते मेरे मेरे भाईओ, यह बात नू अपने जेन चो कढ दिओ कि तुसी इत्थे रहोगे, जिस तरह अज मैं जा रहा अन करीब तुसी भी मेरे पिछे आने वाले जे। सानू हर फर्दो बशर जिहड़ा फौत होने वाला है, इस बात का सबक देंदा है कि जे मैं अज फौत हो रहा है ना, तो एक वक्त आना है तुसी भी मेरे पिछे ही आने वाले जे। बस यार असी अपनी मौत की तैयारी करिए, असी अपने कबर हशर की तैयारी करिए। और नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कल क्यामत का दिन होएगा, कुछ मेरी उम्मत दे ऐसे नेक लोग आएंगे कि जिन्हां नूं कल क्यामत वाले दिन मैं अपने हौज़े कौसर तो अपने नूरानी प्यालियां दे नाल हौज़े कौसर का पानी अता करांगा। ते नबी पाक ने फरमाया कुछ लोग मेरी उम्मत दे ऐसे आणगे कि जिन्हां नूं सहाबा मैं प्यालियां अंदर नहीं पानी पिलाना, बर्तना अंदर नहीं उन्हां नूं पानी पिलाया जाएगा हौज़े कौसर का। अल्लाह दे रसूल तुसीं किहड़ी चीज़ नाल पानी पियाओगे? नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा आणगे, मेरी उम्मत दे नेक लोग आणगे, होंठ मेरी उम्मत दे लोगां दे होणगे, हाथ मैं इमामुल अंबिया दे होणगे। इस तरह करके नबी पाक ने फरमाया मैं अपनी बुक च पानी लैके ना अपनी उम्मत दे लोग नेक लोगों नूं पिलावांगा। तो मेरे प्यारे भाईओ, फिर असीं दुआ करने आ मालका सानू भी कल क्यामत वाले दिन नबी पाक दे हत्थों हौज़े कौसर दा जाम अता फरमा। तबीयत खराब है, मैं इंशाल्लाह बड़े ही इंतजार के नाल हज़रत अनस बिन मालिक की सीरत बयान करनी है, जो को थोड़ा जहा वादा घाटा रह गया तो माजरत, इंशाल्लाह अल्लाह ने सेहत दी तो अगले जुमे कसर कटांगे। दुआ करो अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए। सुनो जरा अल्लाह दी पाक कलाम, इलाहुल आलमीन ने कुरान मबीन अंदर इसे बात का ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमा रहे ने मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हां लोगों नूं इस बात का ऐलान फरमा दीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सबरी वस्सलाह, इन्नल्लाह मा साबिरीन,
अल्लाह फरमा रहे ने दुनिया कायनात दे मुसलमानो नमाज दे नाल ते सबर दे नाल अल्लाह दे कोलो मदद मंगया करो। कोई परेशानी आ गई है, मुसीबत आ गई है, वादा काटा हो गया है, अगर अल्लाह पाक ने औलाद दिती सी ते अल्लाह ने औलाद वापस ले लई है, रस्ते च जांदे आ रोड हादसा हो गया ते एक्सीडेंट हो गया है, जे को माल डंगर मर गया है, मझ गां मर गई है, जे तुहाडा को जानी या माली नुकसान हो गया है, इस्ताईनु बिसबरी वसला अल्लाह दे कोलो नमाज दे नाल ते सबर दे नाल मदद मंगया करो। वजह की है इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह फरमा रहे ने मैं सबर करन वालियां दे नाल आ, मैं साबर बंदे दे नाल आ, मैं शाकर बंदे दे नाल आ। आओ ना मस्जिद तौहीद अंदर आने वाले हो, रब दे हो परौणे हो, मैं तुहानू हज़रत अनस बिन मालिक दी सीरत बयान करना चाहना। जरा पहली हदीस ते गौर करना, इस रवायत नू इमाम मुस्लिम रहमतुल्ला अलैह ने सही मुस्लिम दे अंदर नकल फरमाया है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने, मेरी उम्र अजे 10 साल दी है ते मेरी माँ उम्मे सुलैम मैनू लैके ते नबी पाक दी खिदमत दे अंदर आईया ना, आ करके कहन लगियां अल्लाह दे रसूल मैं छोटा जिहा बच्चा अपना नन्ना मुन्ना 10 साल दा पुत्र तुहाडी खिदमत वास्ते वक्फ करना चाहनी आ। हज़रत अनस फरमांदे ने जदों मैं नबी पाक दी खिदमत वास्ते आया ते मेरी उम्र 10 साल दी है, ते जिदो इमामुल अंबिया इस दुनिया तो गए ने ते मेरी उम्र 20 साल दी है, मैं ऐन जवानी दियां मंजिलां चढ़दा पिया ते अल्लाह दे नबी दुनिया छड़ के चले गए ना, ते मेरी माँ मैनू वेले के वेले नबी पाक दी मुहब्बत दा अंजाम दस्या कर दी, मेरी माँ मैनू नबी पाक दी इताअत दा सबक दिया कर दी, मेरी माँ मैनू नबी पाक दियां फरमा बरदारियां दस्या कर दी। आओ ना 139 दी ओ मस्जिद अंदर आने वाले मुसलमानो, मैं तुहानू की दसना चाहना कि हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो अजे 20 साल की उम्र है, जवानी चढ़ते पेरे ते नबी पाक दुनिया तो चले गए ने, तो हज़रत अनस की वालदा नबी पाक नू हज़रत अनस नबी पाक दे कोल लैके आई है। मेरे प्यारे भाइयो, इस हदीस तो सानू दो बातें समझ आईया ने। पहली गल तो सानू यह समझ आई है कि हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो उन्हां ते की गुजरी होएगी, ये जिन्हां ने जवानी की हालत अंदर नबी पाक की वफात का सदमा बर्दाश्त किया है, जवानी की हालत हज़रत अनस ने सदमा वेख्या है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का, और दूसरे नंबर पर हज़रत अनस की वालदा गाहे गाहे हज़रत अनस नू नबी पाक की मुहब्बत का दरस दिया कर दी, प्यार का दरस दिया कर दी, पुत्र नबी पाक दे आखे लग्या कर ते नबी पाक दा क्या मनिया कर, नबी पाक दा हुक्म मनिया कर। हज़रत अनस फरमांदे ने अम्मा जी जे मैं नबी पाक दे आखे लगांगा फिर मैनू की मिलेगा, ते उम्मे सुलैम आंदी है पुत्र नबी पाक दे आखे लगना तेरा काम है, तेनू जन्नत अता करना रब्बुल आलमीन दा काम है। ऐ हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दी वालदा छोटी उम्र दे विच ही अपने पुत्र नू नबी पाक दी मुहब्बत दा दरस दे रही है। तो यार असी अज अपनियां मावां दा भी तो हिसाब किताब लईए ना, एक औरत कहण लगी कारी साहब मैनू तो मेरे बच्चे तंग ही नहीं करते, सानू तो साढ़े बच्चे सताउंदे ही नहीं। तो मौलाना ने पूछा बीबी की गल है क्यों नहीं सताउंदे, अरे कारी साहब मैं जो बाजार जानी हाँ पुत्रां नू बच्चों कार्टून ला के दे जानी हाँ, मोबाइल ते बच्चे कार्टून वेखते रहने तो मैं बाजार च हो के आ जानी हाँ। नहीं मेरी ये मावे भैने, मैं तेनू इस खुतबा इजमा की वसादत दे नाल कहना चाहना, अगर मेरी कोई बहन अगर मेरी कोई मैं मेरा इजमा सुने, मैं अपनी माँ नू अदबन गुजारिश करना चाहना कि इन्हां बच्चों नू कार्टून ला के और मोटू पतलू ला के अपने पुत्रां दी जिंदगी बर्बाद ना करो। अपने हथीं असी अपने पुत्रां दी जिंदगी दे जहरे कातल बन के सामने आए हाँ, जिन्हां दी सीरत असी सुनने हां वो बचपन विच ही अपने पुत्रां नू सहाबा दी सीरत दस दे ते साडियां मावां सानू कार्टून ला के दे जांदियां ने। अल्लाह जाणदा पिछे जे एक ड्रामा शायद अज भी होवे अर्थकल गाजी, वो अर्थकल दा ड्रामा निकलिया सी ते बड़े बड़े वाबी अहलदीस विशा की नमाज पढ़ के दाड़ियां टोपियां वाले जाके टीवी सामने बह जाते सी, ये कोई गल नहीं मौलवी जी ड्रामा वेखना जायज है, ये खिलाफ़ तो उस्मानिया का तज़करा है। यार इस बात की दलील इतों निकलती है,
जिस चीज़ का नाम ही ड्रामा वो कामयाब तो जायज़ किस तरह हो जाएगा। जो असं कहने जी ड्रामा, वो ड्रामा हो सकता है वह शरीयत नहीं हो सकती, वह ड्रामा हो सकता है वह इस्लाम नहीं हो सकता। तो जे असी अपने बच्चों मोटू पतलू के कार्टून ला के देने साडे बच्चे साडे हथी असी अपनी फाशी तो बेहजाई वाल इन्हों लगा रहे हैं। इन्हों नबी पाक की मुहब्बत का दरस दौ, इन्हों नबी पाक के प्यार का दरस दौ। और आओ ना इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुसनद अबी याला दे अंदर है। हज़रत उम्मे सुलैम बयान कर दियां ने, मैं जिस वक्त हज़रत अनस बिन मालिक नू नबी पाक दी खिदमत च गुजारिश करन वास्ते आईयां ना, हज़रत अनस फरमांदे ने मेरी माँ मैनू नबी पाक दे कोल छड़ के जा रहियां ने, ते मेरे जिसम ते कोई बदन ते कपड़ा भी कोई नहीं, साढ़े घर के अंदर एक फटी पुरानी चादर है, ते मेरी माँ ने उस चादर के दो टुकड़े कर ले ने, एक हिस्से नू इज़ार बंद बना दिता है ते एक हिस्से नू तह बंद बना छड़िया है। साढ़े घर की गुरबत का यह आलम है कि पाउण वास्ते कपड़ा कोई नहीं, पाउण वास्ते लिबास कोई नहीं, ते मेरी माँ ने एक ही चादर दे दो टुकड़े करके मैनू लिबास अता कर दिता है। आओ ना मुसलमानों, असी अज अपनियां नेमतां ते भी गौर करिए, जिहड़ियां अल्लाह पाक ने सानू नेमतां अता कीतियां ने, ऐ ओ लोग ने जिन्हां ने गुरबत विच भी नबी पाक अलैहि सलाम दे नाल मुहब्बतां कीतियां ने, ऐ ओ लोग ने जिन्हां ने ना साज़ हालात गार दे अंदर भी नबी पाक अलैहि सलाम दियां खिदमतां कीतियां ने, अल्लाह दे रसूल अलैहि सलातु वसलाम दियां दुआवां लईयां ने। और इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबी हज़रत उम्मे सुलैम बयान कर दियां ने, एक दिन ना उम्मे सुलैम नबी अलैहि सलाम दे कोल आईयां, आके कहन लगियां अल्लाह दे रसूल जिहड़े अंसारी औरतां ने अंसारी मर्द ने उन्हां ने तुहानूं कोई ना कोई तोहफा दिता है, किसी ने तुहानूं कोई तोहफा दिता है, किसी ने तुहानूं कोई तोहफा दिता है, ते अल्लाह दे रसूल असी गरीब हाँ, साढ़े को माल ते कोई नहीं, साढ़े को दौलत ते कोई नहीं, अल्लाह दे रसूल मेरा 10 साल का बेटा हज़रत अनस है, ते मैं इनू ताड़ी खिदमत वास्ते वक्फ कर देनी हाँ। अल्लाह दे रसूल किसी ने माल दिता है, किसी ने जानवर दिते ने, किसी ने तुहानूं तोहफे दिते ने, साढ़े को माल भी नहीं, साढ़े को बहुता माल दौलत दुनिया का कोई नहीं, असी तो अपना पुत्र हज़रत अनस ही तुहाड़ी खिदमत वास्ते वक्फ कर देने हाँ। ए सही अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नो के जिन्हों की वालदा ने छोटी उम्र में ही नबी पाक अलैहि सलाम की खिदमत वास्ते वक्फ कर दिता है। और आओ ना इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, मैं तुहानूं सवाल करना चाहना, पूछना चाहना, अपने जमीर नूं हिला के पुछो ते सही हाँ, उन्हां लोगों ने गुरबत के बावजूद गरीबी के बावजूद अपने दिलों के लखते जिकर नबी पाक अलैहि सलाम की इज्जत अजमत वास्ते वक्फ कर दिते ने। वो 139 दियो मुसलमानों, असी भी सोचिए ना, असी नबी पाक नू की दिता है, ते असी नबी पाक वास्ते की कुरबान किया है। इत्थे अल्लाह जानदा जे को गरीब होवे ना गरीब घर, तो उन्हें कह दिया भी यार कुत्ती पोते कदा मदरसे पा ला, तेरी आखरत बन जाएगी, तू मर जाएगा, तेरे पिछों दुआवां करने को आंदा जी छड्डो परे, मौलवियों की कादी जिंदगी है, थोड़िया थोड़िया तनखावां ने, इन्हां दी कादी जिंदगी है, कोई नौकरी लवाने आ, कोई सरकारी जाब लगेगा, पैसा आएगा, दौलत आएगी। मेरे प्यारे भाइयो, कल क्यामत वाले दिन जे नबी पाक अलैहि सलाम ने या अल्लाह ताला ने सानू पुछ लिया भी हज़रत उम्मे सुलैम ने 10 साल का बच्चा बावजूद गुरबत नबी पाक नू दिता सी, असी भी अपने जमीर नू हिला के पुछिए हाँ, असी नबी पाक नू की दिता है, असी नबी पाक नू टाइम दिता है, नबी पाक नू टाइम देने का मकसद है कि नबी पाक की हदीस नू टाइम देना, असी अल्लाह नू टाइम दिता है, असी रसूलुल्लाह नू को टाइम दिता है, को तोहफा दिता है, असी नबी पाक अलैहि सलाम नू की दिता है, सदके जाने हैं, कुरबान जाने हैं, हैं गल मनन की वारी आए तो मुल्तान जाने हैं। मेरे प्यारे भाईओ, इन्हां चीज़ों के नाल नबी पाक की मुहब्बत का हक नहीं जी अदा हुंदा है। वो लोग ने कि जिन्होंने अपना तन मन धन नबी पाक अलैहि सलाम तो कुरबान किया है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हों लोगों इज्जत अजमत अता कीतियां ने। और आओ जरा चौथी हदीस से गौर करना, जरा मुँह ना मिठा कर लेंगे, इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु तआला नो बयान करदे ने, एक दिन अल्लाह दे नबी साडे घर दे अंदर तशरीफ लै के आए। आका नबी पाक साडे घर दे मेहमान बने ना, ते मेरी माँ उम्मे सुलैम ने नबी पाक अलैहि सलाम नू घ्यो दिता है, ते नाल खजूरां बतौरे मेहमान नवाजी ते पेश कीतियां ने। ते नबी पाक फरमांदे ने नी उम्मे सुलैम, मैं ते रोज़ा रखिया है, ना मैं तेरा घ्यो खावांगा, ना मैं तेरिया खजूरां खावांगा, मैं ते रोज़े दी हालत अंदर मैं नहीं खा सकता। ते उम्मे सुलैम आंदी है, अल्लाह दे नबी जी साड़ी ते किस्मत जाग गई है, सारी कायनात जिदा कलमा पढ़ दिए, जिदे पिछे चल दिए, अल्लाह ने साड़ी किस्मत नू भाग ला दिते ने। अल्लाह ने अज उस शख्सियत नू चल के उम्मे सुलैम दे वेड़े विच आके बिठा दिता है। साड़ी ते किस्मत जा गई है कि अल्लाह दे नबी साढ़े घर दे अंदर तशरीफ लियाए ना। कहन लगियां, अल्लाह दे नबी चलो जे तुसीं रोज़ा रखिया है नहीं कुछ खाना, फिर कम अज़ कम मेरे वास्ते, मेरे पुत्र अनस वास्ते, साढ़े घर बार वास्ते दुआ कर दियो, अल्लाह सानू बरकतां रहमतां अता कर देवे। ते नबी पाक फरमांदे ने नी उम्मे सुलैम, कोई गल नहीं, मैं दुआ कर देना। नबी पाक अलैहि सलाम ने इस तरह करके अपनी नबूवत वाले हाथ उठा ले ने। आका फरमांदे ने, ऐ मेरे अल्लाह, उम्मे सुलैम दी औलाद च बरकतां नाजल कर दे, अल्लाह इन्हां दे माल च इजाफा नाजल कर दे। ऐ अल्लाह, मैं तेरा नबी दुआ पे करना वा, इहदे बेटे हज़रत अनस नूं लंबी उम्र अता कर दे, ते अनस दी उम्र च बरकतां अता फरमा दे। ऐ नबी पाक ने हज़रत अनस दे घर वालियां नूं दुआ दित्ती। तो मेरे प्यारे भाईओ, इत्थों इक वी मसला सामने साडे आया, अपने घर के अंदर उलामा की दावत करो, उन्होंने सदो, खिलाओ पिलाओ, तो उलामा दे कोलो, नेकां लोगों के कोलो अपने घर चों सद के दुआ करवाना नबी पाक की सुन्नत है। तो नबी पाक ने फिर हज़रत उम्मे सुलैम के घर बह के उदे वास्ते दुआ की, अल्लाह ने नबी पाक की दुआ नूं कबूल फरमा लिया है। और कौन ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ताई ते रब दा कुरान कह रहा, या अय्यो हल्लज़ीना आमनुस्ताइनु बिसबरी वसला इन्नल्लाहा मासाबिरीन। नबी पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरा नबी दुआ पे करना, अल्लाह अनस दे माल च इजाफा कर दे, अल्लाह अनस दे बागा च बरकतां नाजल फरमा दे। ओ 139 जी मस्जिद तौहीद अंदर आने वाले नौजवानों और मुसलमानों, ते नबी पाक दे गुलामों, बात बड़ी काबले तवज्जो ते दिल लगा के सुनिया जे। नबी पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे अल्लाह, हज़रत अनस दे बाग च बरकतां कर दे, हज़रत अनस दे माल च बरकतां पा दे। हज़रत अनस फरमांदे ने, नबी पा दी दुआ दे इतना असर होया है, नबी पा दी दुआ दी इतनी बरकत नाजल हुई है, मेरा बाग लोकां दे बागात साल विच एक मरतबा फल देंदे ने। नबी पा दी दुआ दी बरकत दे नाल मेरा बाग साल च दो मरतबा फल देंदा है, दो मरतबा फल देंदा है मेरा बाग नबी पा दी दुआ दी बरकत दे नाल। हज़रत अनस फरमांदे ने, मेरे बागात दे अंदर बड़े किस्म दे फुल ने, तरह तरह दे फूल ने, फ्लावर ने, लेकिन ऐसे ऐसे फुलां चो खुशबूआं आंदियां ने, वह फुल जड़े लोगों के बागात के अंदर ने ना, उतों खुशबूआं नहीं आंदियां। नबी पा दी दुआ दी बरकत दे नाल मेरे बाग चों कस्तूरी नालों वध के अल्लाह पाक ने खुशबू पैदा कर छड़ी है। नबी पा दी दुआ दी बरकत नाल बाग लोगों का एक मरतबा फल देंदा है, ते नबी पा दी दुआ दी बरकत दे नाल मेरा बाग दो मरतबा फल देन लग पे है। तो आते हैं कि लोगों के बागात में भी फुल लिया सी, लेकिन जेडे मेरे बाग के अंदर फुल ने ना, वो कस्तूरी अंदर खुशबू नहीं, जेडे नबी पाक की दुआ की बरकत वजह तो अल्लाह पाक ने खुशबू पैदा कर दी है। और नबी पाक इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अनस फरमांदे ने, नबी पाक ने दुआ की है, मेरे अल्लाह अनस दी औलाद च बरकतां नाजल कर दे। ते सहाबा बयान करते ने, हज़रत अनस नू अल्लाह पाक ने 120 पुत्र ते पुत्र पोतियां अता फरमा छड़ियां ने। ए नबी पाक दी दुआ दी बरकत है,
हज़रत अनस फरमाते ने मैं अपनी जिंदगी में देखिया अल्लाह पाक ने मैनू 120 बेटे बेटियां दोते दोतियां नवासे नवासियां पोतरे पोतरियां 120 अल्लाह पाक ने मैनू जिंदगी अता कर दिते ने। वजह की है नबी पाक की दुआ की बरकत लगी हज़रत अनस नू। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नू 120 पुत्र ने हज़रत अनस दे औलाद शामिल अल्लाह पाक ने इतनी औलाद बरकत अता फरमाइया ने। दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा बंद करो। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला नू नबी पाक अलैहि सलाम दे अजीम सहाबी ने ते हज़रत अनस दी औलाद विच अल्लाह पाक ने बरकतां कर दित्तियां ने रहमतां कर दित्तियां ने। ते तीसरी दुआ जड़ी नबी पाक ने हज़रत अनस बिन मालिक नू अता कीती है आका फरमांदे ने मेरे अल्लाह मेरे प्यारे अनस दी उम्र च भी बरकतां अता कर दे। अल्लाह अनस नू लंबी जिंदगी अता कर दे। मुहद्दिसीन बयान करदे ने अल्लाह पाक ने हज़रत अनस नू 103 साल की उम्र अता फरमा दी है। 103 साल हज़रत अनस की उम्र है नबी पाक दे अजीम सहाबी। और इन्हां दी कुनियत है अबू हमजा रजी अल्लाह तआला नो ते नाम है हज़रत अनस ते बाप का नाम हज़रत मालिक ते अंसारी कबीले दे नाल इन्हां दा ताल्लुक है। ते नबी कुल कायनात इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर अल्लाह इमरान मन समिया मकालती फाफिजा वबाहा सुम्मा अद्दा कमा समिया। आका फरमांदे ने मैं अल्लाह दा नबी उस बंदे वास्ते दुआ करना जेड़ा मेरी हदीस नू सुनदा है हदीस नू याद करदा है हदीस नू अगे पहुँचा देंदा है। अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नू तरोताज़ा रखदे ने अल्लाह उस बंदे दे चेहरे नू खुशबाश रखदे ने। नबी पाक ने दुआ की है सहाबा बयान करदे ने जदों हज़रत अनस फौत होए ना असी हज़रत अनस का चेहरा वेख्या है हज़रत अनस दे चेहरे नू अल्लाह पाक ने खुशबाश बना दिता है। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुतबे हदीस के अंदर हदीस दियाँ किताबों के अंदर हज़रत अनस ने जिहड़ियां रवायतां नकल कीतियां ने नबी पाक दियां हदीसां 2286 रवायात इन्हां तों मनकूल ने। 2286 हदीसां दे रावी ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उतनी देर तक नबी पाक दी हदीस बयान नहीं हो जाती जितनी देर तक ऐ ना दसिया जाए कि अन अनस इब्नु मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अनस बिन मालिक का नाम आउंदा है बाद अंदर नबी पाक दी हदीस आउंदी है। और आउना लोगो इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अजीम सहाबी ने आंदे ने जो मैं कुरान पढ़ना हुंदा ना तो घर के सीन च बह जाता तो रज रज के रब के कुरान दियां तलावतां करता मुहब्बत ना रब का कुरान पढ़ता जौक ते शौक ना रब का कुरान पढ़ता। तो हज़रत अनस फरमांदे ने जो मैं सारा कुरान पढ़ के ख़त्म कर लेंदा तो फिर मैं सारे घर वाले नूं बिठा लेंदा तो बह के सेंच असी सारे घर वाले अपने रब को दुआ कर दे या अल्लाह जेड़ा कुरान मैं पढ़िया अल्लाह इनू कबूल कर लै अल्लाह इस तलावत की बरकत दे नाल सानू दीनों दुनिया दियां कामयाबियां अता फरमा दे। तो इस हदीस तो यह भी मसला सामने आता है कि जिस वक्त रमज़ान उल मुबारक विच हाफ साहब कुरान मुकम्मल कर लैन तो कुरान मुकम्मल करन तो बाद दुआ करना नबी पाक दे सहाबी तो साबत है नबी पाक दा सहाबी दा अमल है। और सुनो ना लोगो इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अजीम सहाबी ने जदों एहराम बन लेंदे ने मीकात ते जाके एहराम बन लेंदे ने हज करनिया उमरा करन वास्ते एहराम बन दिया सारी जिक्र शुरू कर देंदे ने हज़रत अनस फरमांदे ने जिहड़े नाल सहाबा बयान करदे ने हज़रत अनस नूं असीं हज करदिआं भी देखिआ है उमरा करदिआं भी वेख्या है। हज़रत अनस ने हज ते उमरे दे दौरान कदी किसे बंदे ना गल नहीं सी कीती बल्कि अपने रब का जिक्र ही करते रहिंदे सी अपने रब का जिक्र करते
इतने जाकिर बंदे सी, इतने जिक्र करने वाले बंदे सी। और आओ ना लोगो आखिरी गल सुनो ते मेरा सलाम है। रब दा कुरान कह रहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुआन उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह फरमा रहे ने लोगो ऐसे आबादी जमात मेरी जमात है। अल्लाह फरमाते ने सहाबा दी जमात मेरी जमात है। दुनिया कैनात भी तो जमात बनिया ने ना। कोई आंदा है मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जमात है, कोई आंदा है पीटीआई इमरान खान की जमात है, पीपल पार्टी जरदारी की जमात है, मरकजी जमीयत साजिद मीर की जमात है, जमीयत शाम लई जीर की जमात है, कुरानो सुन्ना मूवमेंट इब्तिसाम लई जीर की जमात है। लेकिन मैं सदके जावा सहाबा दी अजमत तो जिन्हों के बारे इमामे कैनात रब बेजुल जलाल फरमांदे ने ए दुनिया कायनात दे मुसलमानो उलाइका हिज़्बुल्लाह। ऐसे हाबा मैं रब दी जमात है, सहाबा रब दी जमात है। और आओ ना हजरत अनस बिन मालिक कौन ने, आखिरी बात हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो, इन्हों की जमीन जड़ी है ना आप मदीने अंदर रेंदे ने, तो जमीन इन्हों की बसरा दे अंदर है, बसरा शहर के अंदर इन्हों की जमीन है। तो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने एक दफ़ा जोड़ा उसे को मुलाजम रखा से जमीन की पानी छानी लाने वास्ते खेती करने वास्ते, उन्हें खत लिखा बसरा चो, कह लगे अनस बारिशा नहीं हो रही, तो बारिशा ना होने की वजह तो जमीन की फसल तबाह हो रही है, जमीन बर्बाद हो रही है, तो अल्लाह दे कोलो दुआ करो कि अल्लाह आसमान तो बारिश नाजल करे। हजरत अनस फरमाते ने जो मेरे तक एक खत पहुँचया तो मैं इन्हें मदीने चो सवारी लैके तो बसरा गया, जाके तो अपनी जमीन के सेंटर जाके मसला बिछा लिया, दो रगत सलातुल हज्जा अदा की है, हाथ उठा के मैं दुआ की कि या अल्लाह बारिशा तू बरसान वाला है, तेरे तो अलावा बारिश कोई नहीं बरसाता, ऐ मेरे अल्लाह मेरी जमीन बंजर हो गई है, जमीन बर्बाद हो रही है, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाजल फरमा। सहाबा बयान करते ने हजरत अनस अजे दुआ करते ही पे ने आसमान से छोटी जी एक बदली आई है, आसमान से बदल आया है, जिथे हजरत अनस की जमीन है उतने ही हिस्से अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की बारिश नाजल फरमा दी है। इतने मुस्तजाबो दुआ ने हजरत अनस, ऐ उन्हां दी करामात है, ऐ ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो। और हजरत अनस फरमांदे ने अल्लाह पाक ने मैनू 103 साल की उम्र सहाबा बयान करते ने हजरत अनस नू अता फरमाइए, तो जो नबी पाक दुनिया तो गए ने हजरत अनस की उम्र 20 साल की उम्र है, तो नबी पाक की वफा तो 83 साल बाद हजरत अनस दुनिया से जिंदा रहे ने। तो बड़ी मज़े वाली गल है, हजरत अनस फरमाते ने 10 साल तो मैं नबी पाक की खिदमत की है, नबी पाक के सामने रहा, तो मैं 20 साल मेरी उम्र है जो तो नबी पाक दुनिया तो चले गए ने, तो नबी पाक की वफात तो 83 साल बाद मैं जिंदा रहा, तो कोई एक रात मेरी ऐसी रात नहीं गुजरी कि जिस रात ख्वाब अंदर मैं अल्लाह के नबी की जियारत ना की हो। 83 साल दिया रात रोज़ाना ख्वाब अंदर मैं अल्लाह के नबी की जियारत कर लेना। ऐ ने सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हो कि जिन्होंने टोटल 103 साल की उम्र पाई है, 10 साल के बच्चे ने नबी पाक की खिदमत वास्ते आए सी, और 20 साल अजे उम्र हुई है, 10 साल नबी पाक की खिदमत की है, अल्लाह के नबी दुनिया छड़ के चले गए ने, नबी पाक की वफात तो 83 साल बाद जिंदा रहे ने, और रोज़ाना ही ख्वाब अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करते रहे ने, इमामे कायनात दियां ज़ियारतां करते रहे ने। अगर कोई मेरा वीर पड़ा चाहता है अल्लाह के नबी की सानू भी ख्वाब अंदर जियारत होए, चूंकि नबी पाक की ख्वाब अंदर जियारत बरहक के हो सकती है। तो मुहद्दसीन ने दो अमल बयान किए ने पूरे जुमे का खुलासा, गुबता तो हाजल कलाम, पूरे जुमे चो कोई गल ना भी याद रहे मेरे प्यारे भाईओ दो बातें याद कर लो। अगर कोई बंदा चाहता है कि ख्वाब के अंदर अल्लाह के नबी की मैनू जियारत हो जाए, पहला काम उन्हें यह करना चाहिए है चलदियाँ फिरदियाँ नबी पाक की ज़ियारत ते दरूद बहुत ज़्यादा पढ़िया करे। की पढ़ना है? दरूद, दरूद इब्राहिमी सारा पढ़ लो फिर भी ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद,
इतना का दरूद भी पढ़ लो। सुनन नसाई के अंदर यह भी हदीस मौजूद है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। बस इना दरूद भी पढ़ना जायज़ है। पहला अमल है दरूद बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो दूसरे नंबर पर नबी पाक की हर सुन्नत नाल अपनी जान तो बढ़ के प्यार करना है। नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दी हर सुन्नत तो बढ़ के, नबी पाक अलैहि सलाम दी हर सुन्नत दे नाल अपनी जान तो बढ़ के प्यार करना है। इस दो अमल दी वजह तो अल्लाह तबारक व तआला यह दो अमाल की वजह तो अल्लाह तबारक व तआला सानू ख्वाब अंदर नबी पाक दा दीदार अता फरमाएगा। मेरे प्यारे भाइयो, इहदे अंदर ही कामयाबी है, इहदे अंदर ही कामरानी है। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला दी सीरत बड़े इख्तसार दे नाल तुहाडे सामने बयान की, सेहत इजाजत नहीं सी दे रही, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने जितनी तौफीक रहमत हुई है। इंशाअल्लाह अगले जुमे अंदर नबी पाक अलैहि सलाम दे अजीम सहाबी का तज़किरा खैर होएगा। जो कुछ सुनया सुनाया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावा ना अनिल हम्दुलिल्लाह।